आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS Excel के सेट ऑफ 5 मजेदार मैजिक ट्रिक्स के बारे में, जो बेहद ही मजेदार है और साथ ही आपके डेली वर्क में यूजफुल है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा YouTube चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले आप MS Excel पर क्लिक करके MS Excel ओपन कर लेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS Excel के टॉप 5 ट्रिक्स के बारे में, जो आपके डेली लाइफ में, डेली वर्क में बेहद काम का है। तो प्लीज वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए जानते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 पर है बैकअप फाइल तैयार करना। जी हाँ, आप जैसे यहाँ पर आप वर्क करते जा रहे हैं और इसी बीच कुछ टेक्निकल इशू या फिर लाइट बंद होने की वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपके कंप्यूटर में जो डेटा इंटर किए रहते हैं सेव नहीं हो पाता है। तो आप चाहते हैं कि भैया जो मैं काम कर रहा हूँ उसका ऑटोमेटिक बैकअप तैयार होता रहे, तो इसके लिए आप जाएंगे ऑफिस बटन, यहाँ पर फिर आप कर लेंगे सेव एज। आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फाइल को सेव कर लिया, इसलिए मैंने सेव एज ऑप्शन चुना है और इसके नाम को चेंज कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करने से पहले आप जाएंगे टूल्स पर, यहाँ पर फिर ऑप्शन मिलता है जनरल ऑप्शंस। यहाँ पर फिर आप देखेंगे हमको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज क्रिएट बैकअप। जी हाँ, इसी चेक बॉक्स बटन पे क्लिक कर लेंगे और फिर कर लेंगे ओके और यहां से कर लेंगे सेव। अब जैसे ही इस फाइल पर रहते हुए आप कुछ भी डेटा एंटर करते हैं तो आपका देखना ऑटोमेटिक इसका बैकअप फाइल तैयार होते जाता है। हमको कंट्रोल एस बटन बीच बीच में प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर इसका टाइटल एक बार कंफर्म कर लें, मैंने टाइटल दे दिया है MS Excel Tetrical 124। इसको मिनिमाइज कर लेता हूं और यहां पर देख सकते हैं इसका बैकअप फाइल तैयार हो रहा है। आप चाहे तो इसे ओपन करके भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए इस फाइल को मैं बंद कर दे रहा हूं और आगे बढ़ते हैं एक्सेल फाइल में अपना। चलिए अब जानते हैं ट्रिक नंबर 2, एक्सेल फाइल को लॉक और अनलॉक करना। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए फाइल को कोई अन्य व्यक्ति ना देख सके और उसमें कुछ एडिट ना कर सके, इस कंडीशन में ही हम लोग फाइल को लॉक करते हैं। तो चलिए जानते हैं फाइल को लॉक और अनलॉक करने के 2 तरीके हैं। तो मैं पहले पुराना तरीका बता देता हूँ। इसके लिए जनरली हम लोग जाते कहाँ हैं, ऑफिस बटन, यहाँ से फिर प्रिपेयर, उसके बाद फिर यहाँ पर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर पासवर्ड इंटर करते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ 123, उसके बाद कर लेंगे ओके। अब उसी पासवर्ड को एक बार हमें फिर से री इंटर करना है 1 2 3 और कर लेंगे ओके। कंट्रोल एस करिए फाइल को, फिर अब फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब जैसे हम लोग फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तब आप देखेंगे यहाँ पर हमसे पासवर्ड मंगा जाता है। अब यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद ही हमारा फाइल ये ओपन होगा। तो मैं पासवर्ड क्या दिया था 1 2 3 और कर लेंगे ओके। गलत पासवर्ड इंटर करेंगे तो फाइल नहीं खुलेगा। तो चलिए अब फाइल को पहले अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के लिए पुनः ऑफिस बटन, प्रिपेयर, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड दिया उसको डिलीट करेंगे और कर लेंगे ओके। अब हमारा फाइल अनलॉक हो चुका है, कंट्रोल एस कर लेंगे। तो चलिए फाइल को लॉक अनलॉक करने के मजेदार ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे सेव एज पे। सेव एज पे जाने के बाद पुनः टूल्स ऑप्शन चुनेंगे, यहाँ से फिर हम लोग जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड टू ओपन, यहाँ पर फिर हमको पासवर्ड देना रहेगा। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 456। जी हाँ, अब जैसे हम लोग पासवर्ड में डालेंगे 456 तो ही हमारा फाइल ओपन होगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे फाइल ओपन हो जाता है तो रीड ओनली फॉर्मेट में रहे या फिर उसमें कोई सुधार या चेंजेस ना कर पाए, तो इसके लिए भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दे देता हूँ 789 और कर लेंगे ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कंफर्म पासवर्ड मंगा जाता है, मतलब आपको री इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड पर पासवर्ड टू ओपन वाला पासवर्ड देंगे, तो मैंने दिया था 456, उसके बाद कर लेंगे ओके। अब यहाँ पर देखिए फिर से री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, मतलब नीचे वाला का पासवर्ड मंगा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर दिया था 789 और कर लेंगे ओके। और यहाँ पर नाम चेंजेस कर दे रहा हूँ, मैं प्लस कर दे रहा हूँ, अन्य नाम से फाइल को सेव कर रहा हूँ और कर लेंगे। अब आप कंट्रोल एस करके बाहर आ जाइए। तो चलिए फाइल को हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए पासवर्ड मंगा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर दिया था 456। जैसे ही 456 करते हैं ओके करते हैं तो देखिए आपसे फिर से पासवर्ड मंगा जा रहा है दूसरा वाला। यदि ये पासवर्ड डालेंगे तो ही आप फाइल में एडिट या चेंजेस का वर्क कर सकते हैं
और ये पासवर्ड डाले बगैर ओपन करते हैं रीड ओनली करके, तो उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे, रीड ओनली फॉर्मेट में आपका फाइल रहेगा। तो आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, 7 8 9 दिया था, ओके कर लेंगे। ये देखिए आपका फाइल खुल गया है, अब आप इसमें एडिट का काम भी अभी कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अब जानते हैं ट्रिक नंबर 3, और इस ट्रिक में हम लोग जानेंगे नंबर के पहले 0 लगाना। जी हाँ, उदाहरण के लिए चलिए मैं यहाँ पर एक कलम और ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सीरियल नंबर, और आप नंबर के पहले 0 लगाना चाहते हैं इस प्रकार से, तो हम टाइप कर लेते हैं, लेकिन जैसे इंटर करते हैं तो देखेंगे 0 गायब हो जाता है और नंबर रह जाता है। तो आप इसके लिए जरूरी 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप सबसे पहले कोटेशन मार्क दें इस प्रकार से, फिर 0 लिखें, फिर 1 लिखें, तो इस प्रकार से आप नंबर के पहले 0 लगा सकते हैं, और इसी को आप माउस ऐसे ड्रैग करके जनरली दे सकते हैं नंबर के पहले 0। और यहाँ पर देखेंगे हल्का सा हाईलाइट होता है लेफ्ट साइड, इसको आसानी से हटा सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इस बिंदु पे क्लिक करेंगे और यहाँ इग्नोर एरर पे क्लिक कर देंगे, तो देखेंगे जो सिम्बोलिक चिन्ह था वो हट जाता है, और इसको इस प्रकार से सेंटर कर लेंगे। ये हुआ नंबर के पहले 0 लगाने का पहला तरीका। तो चलिए दूसरा तरीका जानते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। अब जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से 101, तो देखेंगे यहाँ पर पुनः नंबर रह जाता है और 0 हट जाता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, इतना जितने भाग पर आप 0 लगाना चाहते हैं उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ नंबर पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से आप चुन लेंगे टेक्स्ट और कर लेंगे बस ओके। तो है ना आसान। अब यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो देखिए आपका 0 भी रहता है और नंबर भी रहता है। 2 0 डालना है तो 2 डालिए, 3 डालना है तो 3 संख्या डालिए, इंटर करिए इस प्रकार से। और सेम ये सिंबॉलिक चिन्ह को हटाने के लिए पुनः आप यहाँ पर जाएंगे और इग्नोर एरर पे क्लिक कर लेंगे, फिर चिन्ह हट जाता है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में जानेंगे सिलेक्टेड डेटा को डिलीट करना। जी हाँ, मान लीजिए जो डेटा है इसे आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जनरली करते क्या है, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके ऐसे डिलीट कर देते हैं। मैं फिलहाल अंडू करके वापस ले आता हूँ। अब इसी को हमको मैजिक ट्रिक की माध्यम से समझना है, तो बेहद आसान से डिलीट कर सकते हैं, बस सिलेक्ट करना है और इसी को ऊपर की ओर ऐसे माउस से ड्रैग कर देंगे जितना को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो देखेंगे बाकी डेटा इरेज हो जाता है। चलिए जानते हैं ट्रिक नंबर 5, जो आपके बेहद ही काम का है, आपके डेली वर्क में काम का आने वाला है। चलिए जानते हैं ट्रिक नंबर 5। एक सेल में जैसे आप 11 से अधिक डिजिट इंटर करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, देख लेंगे। ये मैंने 12 डिजिट इंटर किए हैं, तो देखिए यहाँ पर प्लस फॉर्मेट में आ जाते हैं, 8 दशमलव लग जाता है। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये तो यहाँ कॉलम के विड्थ की वजह से हुआ होगा, तो देख लो कॉलम का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बस एक्सेल में ऐसी हो जाता है। तो इस समस्या से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बस इसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप पुनः जाएंगे नंबर में, और यहाँ से हम लोग मोड नंबर फॉर्मेट से ले लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। जी हाँ, अब यहाँ पर आप इंटर करके देख लें, आप 11 नहीं 15 डिजिट भी इंटर करेंगे तो वो ज्यों का त्यों दिखाएगा इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS Excel के टॉप 5 मैजिक ट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देंगे, और वीडियो को लाइक तो बनता है। बहुत से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।